अस्सलाम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद, जिसको आप फार्मेसी पर आप सबका स्वागत है। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के फिलंदा ब्लैंक्स और एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करें। क्वेश्चन वन। ऑन 11 अगस्त 1930 ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। 11 अगस्त 1930 को ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ था, तो ये किसके अंतर्गत हुआ था, किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? कॉल आरएन के चेयरमैनशिप के अंदर हुआ था ये। क्वेश्चन टू। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डैश ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर किस सन में आया था? तो ये 1995 में आया था। क्वेश्चन थ्री। पॉइजन एक्ट किस सन में आया था? तो ये 1919 में आया था। क्वेश्चन फोर। डैश मींस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। किसका मतलब है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि अंडर सेक्शन 3 फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब है सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल का मतलब होता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। क्वेश्चन फाइव। डैश मीन्स द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल के द्वारा जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है सेंट्रल रजिस्टर। क्वेश्चन सिक्स। द फर्स्ट PCI वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1949 एंड इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी आफ्टर। PCI पहली बार 1949 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और ये हर कितने साल पे रिकॉन्स्टिट्यूटेड होता है? तो हर 5 साल पे होता है। क्वेश्चन सेवन। द PCI इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। द कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। PCI जो कि सेक्शन 3 फार्मेसी एक्ट 1940 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं? ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन एट। एनी पर्सन हु फॉल्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड यूज हिज नेम इन कनेक्शन विद एक्टिविटी ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शैल पनिशेबल विद रुपीज। कोई ऐसा पर्सन जो कि अपने आप को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्लेम करता हो और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की तरह एक्टिविटी करता हो, तो अगर वो पकड़ा जाए उसे, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी? 500 रुपये और 6 महीने की जेल का प्रावधान होता है। क्वेश्चन नाइन। एनी पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग एनी मेडिसिन फॉर पेशेंट शैल बी पनिशमेंट विथ रुपीज़। कोई ऐसा पर्सन जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है फिर भी ड्रग को डिस्पेंस कर रहा हो पेशेंट को, तो वो पनिशेबल होगा, वो होगा आपका 500 रुपये फाइन और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। क्वेश्चन टेन। अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 द PCI फाइनलाइज द एजुकेशन रेगुलेशन आफ्टर अप्रूवल ऑफ। 1948 के एक्ट के अकॉर्डिंग PCI एजुकेशन रेगुलेशन को फाइनलाइज करती है, मगर किसके अप्रूवल के बाद? सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद। क्वेश्चन 11। DTAB स्टैंड फॉर। DTAB का फुल फॉर्म क्या है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। क्वेश्चन 12। व्हाट डज FSSAI स्टैंड फॉर? FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एजेंसी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। करेक्ट डी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 13। विच एक्ट गवर्न द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स इन इंडिया? फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को कौन गवर्न करता है इंडिया में? ऑप्शन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2010, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2013, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2018। ए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। क्वेश्चन 14। विच सिंबल लोगो इज मैंडेटेड टू बी डिस्प्लेड ऑन वेजिटेरियन फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट? वेजिटेरियन फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट पे किस टाइप का लोगो ज़रूरी है लगाना? ऑप्शन है ग्रीन डॉट, ऑरेंज डॉट, रेड डॉट, ब्राउन डॉट। करेक्ट ऑप्शन ए, ग्रीन डॉट। क्वेश्चन 15। विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फार्मुलेशन अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल
DPCO 2013, कौन सी अथॉरिटी है जो कि रिस्पांसिबल होती है प्राइस को कंट्रोल करने में? ऑप्शन है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। करेक्ट ऑप्शन ए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। फुल फॉर्म भी आप लोग देखते हुए चलिए। क्वेश्चन 16, द MTP एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर इन इंडिया? MTP इंडिया में कब एक्ट में आया? ऑप्शन है 1971, 1984, 1996, 2005। करेक्ट ऑप्शन ए 1971। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट? सो MTP का फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग। MTP का पर्पस क्या था, MTP एक्ट का पर्पस क्या था? ऑप्शन है टू रेगुलेट द सेल एंड प्राइसिंग ऑफ ड्रग यूज्ड इन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टू इंश्योर सेफ्टी एंड लीगल एक्सेस टू एब्जॉर्प्शन सर्विस, टू प्रमोट रिसर्च ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एब्जॉर्प्शन सर्विस। करेक्ट ऑप्शन बी टू इंश्योर सेफ एंड लीगल एक्सेस टू एब्जॉर्प्शन सर्विस। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द गेस्टेशन लिमिट फॉर सीकिंग एन एब्जॉर्प्शन अंडर द MTP एक्ट? MTP एक्ट के अंतर्गत गेस्टेशन को अगर एब्जॉर्प्शन कराना है तो क्या लिमिट है? ऑप्शन है 12 वीक्स, 20 to 24 वीक्स, 26 वीक्स, 28 वीक्स। करेक्ट ऑप्शन बी 20 to 24 वीक्स। क्वेश्चन 19, पेटेंट लॉ प्रोटेक्ट्स, पेटेंट लॉ क्या प्रोटेक्ट करता है? ऑप्शन है द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ए ड्रग, द ब्रांड नेम ऑफ ड्रग, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ए ड्रग, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ ड्रग्स। करेक्ट ऑप्शन डी द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ ड्रग्स। क्वेश्चन 20, विच रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया ओवरसीज द अप्रूवल एंड रेगुलेशन ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स? न्यू ड्रग और क्लिनिकल ट्रायल्स को रेगुलेट और अप्रूव कौन सी अथॉरिटी है जो कि करती है? ऑप्शन है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI। करेक्ट ऑप्शन ए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 21, क्लिनिकल ट्रायल्स आर कंडक्टेड टू, क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट होता है? ऑप्शन है इवेलुएट द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग्स, डिटरमाइन द मार्केट डिमांड फॉर ए ड्रग, असेस द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ जेनेरिक ड्रग्स, इन्वेस्टिगेट एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन द जनरल पॉपुलेशन। करेक्ट ऑप्शन ए इवेलुएट द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग, क्लिनिकल ट्रायल इसलिए होता है। क्वेश्चन 22, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का जो रूल है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन है टू इंश्योर द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, टू रेगुलेट द प्राइसिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, टू स्ट्रीमलाइन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेज। करेक्ट ऑप्शन ए टू इंश्योर द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। क्वेश्चन 23, विच कैटेगरी ऑफ वेस्ट इज कंसिडर्ड एज बायोमेडिकल वेस्ट? ऑप्शन में से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो कि बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है डोमेस्टिक वेस्ट जनरेटेड इन हाउस होल्ड, नॉन हजार्डस वेस्ट फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटी, इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मेडिकल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और रिसर्च एक्टिविटीज़। करेक्ट ऑप्शन डी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मेडिकल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और रिसर्च एक्टिविटीज़। क्वेश्चन 24, अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, विच कलर कोडेड कंटेनर इज यूज फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट? ह्यूमन का जो वेस्ट होता है एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे कोई टिश्यू है, सेल्स है, ऑर्गन्स हैं, तो उसको अगर हम डस्टबिन में जो भी डालेंगे वो डस्टबिन किससे कलर होनी चाहिए, वो जो कंटेनर है जिसमें डालेंगे वो उसका कलर क्या होना चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग? ऑप्शन है येलो, ब्लू, रेड, ब्लैक। करेक्ट ऑप्शन ए येलो। क्वेश्चन 25, हाउ शुड
फार्मास्यूटिकल वेस्ट सच एज एक्सपायर्ड मेडिसिन एंड डिस्कार्डेड ड्रग्स बी मैनेज एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट हैं जैसे एक्सपायरी मेडिसिन ड्रग, तो इसको कैसे मैनेज करना है। ऑप्शन है, इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन रेगुलर हाउस होल्ड वेस्ट बिन्स, इट शुड बी इंसिनरेटेड इन डेडिकेटेड फार्मास्यूटिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, इट शुड बी डोनेट टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी रिटर्न टू द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर फॉर प्रॉपर डिस्पोजल। करेक्ट ऑप्शन बी, इट शुड बी इंसिनरेटेड इन डेडिकेटेड फार्मास्यूटिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। क्वेश्चन 26, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स। बायोएथिक्स के प्रिंसिपल में से ऑप्शन में से कौन सा एक नहीं है। ऑप्शन है ऑटोनॉमी, बेनिफिशेंस, नॉन मेलिफिशेंस, प्रॉफिटेबिलिटी। करेक्ट ऑप्शन डी, प्रॉफिटेबिलिटी। क्वेश्चन 27, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ICMR, नेशनल एथिक्स गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च। ICMR की गाइडलाइन क्या कहती है। ऑप्शन है, टू रेगुलेट द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, टू इंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिकल डिवाइस, टू प्रोवाइड एथिकल स्टैंडर्ड फॉर रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट, टू प्रमोट कोलाबरेशन बिटवीन रिसर्च एंड इंडस्ट्री। करेक्ट ऑप्शन, टू प्रोवाइड एथिकल स्टैंडर्ड फॉर रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट, तो जिस रिसर्च में ह्यूमन का पार्टिसिपेशन होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना। क्वेश्चन 28, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का क्या एम है। ऑप्शन है, इंश्योर द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिकल डिवाइस, रेगुलेट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कंज्यूमर गुड्स, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोवाइड रेमेडीज फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एस्टैब्लिश गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्स। करेक्ट सी, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोवाइड रेमेडीज फॉर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस।